और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ FBR इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, जो कि किसी भी बिजनेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको जानते हैं कि FBR का नोटिस तमाम बिजनेसेस में आ रहा है और हर बंदा जो है वो अब FBR से इंटीग्रेट होना चाह रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर हमारा बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि FBR से इंटीग्रेटेड है। इसमें जो जो ऑप्शन है मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे सेल टैक्स इनवाइस बना सकते हैं जो कि डायरेक्ट FBR से इंटीग्रेटेड होगी। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आपका जो FBR पे डेटा जाएगा वो जस्ट इनवाइस का डेटा जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हमारी परचेजिंग तो कहीं FBR पे नहीं चली जाएगी या हमारा स्टॉक वगैरह, तो आपका सिर्फ और सिर्फ इनवाइस का डेटा FBR पे जाता है जो आप सेल टैक्स इनवाइस बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर में परचेज अपनी मैनेज कर सकते हैं जो सिर्फ आप देख सकते हैं। इन्वेंट्री आप अपनी मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, एक्सपेंसेस, लेजर्स, ये सब आपके लिए होगा। FBR को जो डेटा जाएगा वो आपका सेल इनवाइस का जाएगा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ और हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये FBR से लिंक होता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें एक लॉगिन स्क्रीन है, आप इसमें मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं और हर यूज़र को परमिशन दे सकते हैं कि कोई आपकी सेल को डिलीट ना कर सके या दोबारा एंट्री ना करे या एडिट ना करे। कंप्लीट इसमें परमिशन आप इसमें डाल सकते हैं। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये हमारा आ गया मेन मेन्यू। सबसे पहले हम एक आइटम ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू आइटम में आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी आइटम ऐड हुआ हुआ है, गोल्ड बैंगल विद स्टोन 18K। इसकी प्राइसिंग आप यहाँ डाल देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 2000 इसकी प्राइसिंग डाल दी। पीसेस में आप सेल कर रहे हैं या आप इसको केजी में सेल कर रहे हैं, जो भी आपका मेजरमेंट यूनिट है आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह कोई और आइटम ऐड करना है, आइटम कोड डाल दिया, मैंने आइटम का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेस चिप्स एक आइटम ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने इसके रैक नंबर डाल दिया, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल के इसको कर देंगे सेव। इसमें जितने भी आपके लिस्ट ऑफ आइटम है वो सारे एक दफ़ा आप ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं FBR इनवाइस कैसे बनती है। काउंटर सेल पे आ गया मैं। अब मैं इनवाइस बनाने लगा हूँ, मैंने यहाँ पे आइटम का नाम लिखा गोल्ड बैंगल, ये मेरे पास आइटम आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने एंटर किया, ये मेरे पास आइटम ऐड हो गया लिस्ट में। इसी तरह कोई और आइटम है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक ही आइटम बनाते हैं। अब यहाँ पे टोटल इसकी अमाउंट बन गई, इसको मैंने अच्छा इसमें टैक्स लग गया ऑलरेडी, ठीक है, जो कि इसमें 7.5 अमाउंट हमने GST फिक्स किया हुआ है। अब आपका जो भी बिजनेस का टैक्स होगा वो हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इसको मैंने रिसीव कर दिया, इसको मैं जैसे ही प्रिंट करूँगा तो ये मेरे पास आ गया FBR इन केस ऑफ सर्विस चेक। इसको मैं ओके करूँगा, ये मेरा डेटा FBR को चला गया। अब मैं देखूँगा कैसे, मैं आ गया FBR के पोर्टल पर, ठीक है। मैं यहाँ पर आके अपना POS ID डाल देता हूँ, एक सेकेंड मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अभी FBR के पोर्टल पर आते हैं हम, डिक्लेरेशन में आइटम फिजिकल रिपोर्ट में आ गया मैं। यहाँ पे मैं अपना POS ID नंबर डालूंगा, POS ID नंबर जो आपका सॉफ्टवेयर में फिक्स होगा जो FBR की तरफ से आता है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे अपना FBR के पोर्टल पे मैंने POS ID डाल दिया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेंड बॉक्स मुझे शो हो जाए कितनी एंट्रियाँ हुई हैं। ये देखें, ये मेरे पास FBR के पोर्टल में एंट्री आ गई। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पूरी एंट्री आ गई, गोल्ड बैंगल हमने भी आइटम नेम सेल किया था, इसकी ये आइटम थी, ये क्वान्टिटी थी, ये रेट थे, पूरी आपकी एंट्री FBR पर चली गई। इस तरीके से आपकी तमाम एंट्री FBR पे जा रही होगी और आप उसको खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। ये हमारा अकाउंट खुला हुआ है, आपका जो अपना पोर्टल होगा उसमें आप अपनी पूरी रिपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में मदीद, ये तो FBR की सेल टैक्स इनवाइस होगी, इसके अलावा अपनी परचेजेस मैनेज कर सकते हैं। रोजमर्रा की जो आपकी परचेजेज हो रही हैं इसका FBR से कोई ताल्लुक नहीं होगा, पर आपका स्टॉक मैनेज होगा। इसके साथ अपनी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, टोटल सेल रिपोर्ट कितनी हुई, सेल टैक्स इनवाइस आपने कितनी बनाई है पूरे महीने में। इसी तरीके से स्टॉक का आपको लेजर निकालना है, आप स्टॉक का लेजर निकाल सकते हैं। आप इसमें तमाम अपने एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं जो रोज़मर्रा के आपके खर्चे होते हैं। तो ये पूरा हमारा FBR से इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आता है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और इसके चार्जेस बहुत ही नॉमिनल रखे हैं हमने, 35,000 विथ FBR इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो आज आप हमसे रब्ता कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए या हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।